नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महादेव 364 पैनल से आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 5 अंतरराज्यीय सटोरियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोप कोलकाता में बैठकर महादेव पैनल 364 आईडी पैनल से सट्टे का कारोबार चला रहे थे और मामले में 5 सटोरियों के साथ अब तक कुल 13 सटोरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी सटोरिये बिहार के हैं जो कोलकाता में किराए का फ्लैट लेकर सट्टा चला रहे थे। सटोरियों के कब्जे से 7 लैपटॉप, 19 मोबाइल, 7 पासबुक, 5 चेकबुक और 10 ATM भी बरामद हुए हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें, महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस को अब एक बड़ी सफलता मिली है और महादेव 364 पैनल से आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 5 अंतरराज्यीय सटोरियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। उस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अनमोल, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप मामले में लगातार कार्रवाई जो है पुलिस की वो बढ़ती जा रही है। 5 सटोरिये फिर से गिरफ्तार हुए हैं कोलकाता से, और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रतिज्ञा, महादेव सट्टा ऐप मामले में देखिए पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। लगातार जो इस पर इस ऐप से जुड़े हुए लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, और इसी कड़ी में देखिए कोलकाता से जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और खास बात यह है कि ये लोग मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन कोलकाता का जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वो बिहार से भी सटा हुआ है। तो ये आरोपी जो हैं बिहार से पश्चिम बंगाल आते जाते थे। ये अंतर्राज्यीय आरोपी देखिए सटोरी हैं, ये वही सटोरी हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर महादेव सट्टा ऐप का संचालन करते थे, सट्टा खिलवाते थे, लोगों का पैसा लगवाते थे। लेकिन जब ये कोलकाता में किराए की फ्लैट में रहकर संचालन कर रहे थे, तो इसी दौरान रायपुर पुलिस को एक बहुत अच्छी इनपुट मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। कैंप बनाया गया कोलकाता में जाकर और पूरा जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो प्रतिज्ञा देखिए, महादेव सट्टा ऐप वही है जिस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ, जमकर सियासत भी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया, और यहाँ तक कि इसके तार जो है विदेशों से भी जुड़े हैं, दुबई से भी। तो अब देखिए महादेव सट्टा ऐप पर पूरा शिकंजा कस रहा पुलिस का, शिकंजा कसता हुआ तो नजर आ रहा है जितने भी आरोपी हैं। लेकिन कोलकाता को लेकर जो ट्रिप मिली थी वहां 5 आरोपी तो अभी गिरफ्तार किए गए, लेकिन क्या और क्या कुछ अपडेट, क्या वहां पर और भी लोग हैं जिनको कब्जे में ले सकती है, जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो पुलिस है वो लगातार जो है इसमें प्राइवेट कार्रवाई कर रही है। कुछ भी जानकारी उजागर न हो जाए, जो सटोरी हैं उन तक कहीं खबर न पहुंच जाए, इसे लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। और जो है इसी देखिए, इससे पहले खबर आ चुकी थी कि महादेव पर कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, और इसी का नतीजा है कि आज देखिए बड़ा एक्शन ये था कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब तक कुल 13 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। तो देखिए आगे भी जो है ये कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा और भी लोग इसमें जो है गिरफ्तार होते रहेंगे प्रतिज्ञा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है महादेव ऐप का। बिल्कुल अनमोल, और जो भी सामान उनके पास से लैपटॉप या मोबाइल फोन, पासबुक ये सब बरामद हुए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस जो है और कुछ पता लगाने की कोशिश करेगी और इससे जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की जरूर होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गांव रायकोना निवासी फरार महाठग शिवा साहू की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तो वहीं शिवा साहू और उसके साथियों के खिलाफ एक और FIR दर्ज कराई गई है। ऐसे में शिवा साहू की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल ठग सारंगढ़ के रायकोना का रहने वाला शिवा साहू अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। रातों रात करोड़पति बने शिवा साहू को पुलिस ढूंढने में अब तक नाकाम रही है। 10 मई को 2 करोड़ के ठगी के आरोप में फरार चल रहे शिवा साहू मामले में एक नया मोड़ आ गया है। शिवा साहू के खिलाफ एक और नई शिकायत सरसिम्बा थाने में दर्ज कराई गई।
बीजेपी नेता गिरवर निराला ने शिवा साहू पर 26 लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि शिवा साहू ने महीने में 30% ब्याज देने और 8 महीने में पैसे डबल करने का लालच देकर 26 लाख रुपए की उनसे धोखाधड़ी की है। एक शिवा साहू नाम का धनाढ्य व्यक्ति जो फैला क्षेत्र में, वो एक संस्था चलाता हूँ करके क्षेत्र में इतना ज्यादा पैसा अपने हितग्राहियों से लिया है, आदमियों से लिया है। उसी तरह से मैं भी उसके ठगी का शिकार हो गया और मुझे पता चला कि शिवा साहू 30% 36% इंटरेस्ट दे करके पैसा हर महीने 30 दिन में देता है करके, तो मैं भी वही पैसे के लालच में आकर के वहाँ जमा कर दिया अपना 26 लाख रुपए। और 3 महीने हो गए मुझे एक भी रुपया नहीं मिला था। मुझे पता चला कहीं जाके कहीं ना कहीं मैं ठगी का शिकार हो गया हूँ। वहीं बीजेपी नेता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिवा साहू के साथी और धोखाधड़ी के आरोपी सोनू साहू को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 2.5 लाख की बाइक भी जब्त की है। थाना सरसीवा के अंतर्गत बेलमुड़ी निवासी गिरवर प्रसाद निराला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रायकोना निवासी शिवा साहू और उनके साथियों द्वारा 26 लाख की धोखाधड़ी की गई है। इस पर थाना सरसीवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही एक आरोपी महेंद्र साहू और सोनू साहू को गिरफ्तार करके आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। उसके कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है जो लगभग 2.5 लाख रुपए की। शिवा साहू के लगातार बढ़ते ठगी के मामलों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी ठग हो उसे पाताल से खोज कर निकालेंगे। आपको पुलिस विभाग की तरफ से इतना कहता हूँ, ऐसा कोई भी ठग होगा पाताल से निकालेंगे साहब, पाताल से, चिंता मत करिए आप। दरअसल शिवा साहू के ठगी के मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक गारंटी कार्ड भी सामने आया जो शिवा साहू लोगों को पैसे के बदले में दिया करता था। इस गारंटी कार्ड में पैसे देने वाले का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, दी गई राशि समेत मोबाइल नंबर और जानकारी लिखी हुई रहती है। साथ ही कार्ड में शिवा साहू अपना साइन भी करता था। वहीं शिवा साहू की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री के बयान के बाद पुलिस के लिए चुनौती और बढ़ गई है। पुलिस पिछले 2-3 महीने से शिवा साहू की तलाश कर रही है। ऐसे में शिवा साहू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही। विस्तार न्यूज के लिए दिनेश जोली की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, और खबर अंबिकापुर से है जहां अतिक्रमण हटाने गए निगम कर्मियों के साथ मारपीट की गई। नजूल भूमि पर अवैध अतिक्रमण की सूचना मिलने पर अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था और वहीं जब बिल्डिंग मटेरियल को जब्त किया जाने लगा तो वहां मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद निगम अमला पहुंचा और बीच बचाव किया गया। ये घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अगली खबर आपको मुंगेली से बता दें जहां खुड़िया के डिप्टी रेंजर को ग्रामीणों ने घेर कर पीटा है और डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे को मारते हुए ग्रामीण खुड़िया चौकी लेकर गए। 5 दिन पहले आदिवासी युवक को पीटने का आरोप डिप्टी रेंजर पर लगा था, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से नाराज थे। पिटाई से घायल हुए डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे का लोरमी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। और आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। रायपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुटों में मारपीट हुई है, एक दूसरे पर किया गया जानलेवा हमला। एक कैदी गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदियों के बीच दहशत का माहौल है। तो रायपुर सेंट्रल जेल से ये बड़ी खबर जहां पर 2 कैदियों के गुट में मारपीट हुई, 2 गुटों में मारपीट और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया, जिस मारपीट में एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे अस्पताल में हालांकि भर्ती करा दिया गया है और कैदियों के बीच अब दहशत का माहौल है। तो रायपुर की सेंट्रल जेल से ये खबर आ रही है जहां पर कैदियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई है और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया और इस हमले में एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया है और कैदी को अस्पताल में हालांकि भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन बाकी जो कैदी हैं उनके बीच दहशत का माहौल जरूर है, क्योंकि इस तरह से जेल में रहते हुए जब कैदियों के गुटों में मारपीट होती है तो बाकी जो कैदी हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। और किस तरह से ये जो मारपीट की घटना को अंजाम जेल के अंदर रहते हुए दिया गया, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो रायपुर की सेंट्रल जेल में ये बड़ी वारदात जहां पर 2 कैदियों के बीच, 2 गुटों के बीच मारपीट और एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया और ऐसे में एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया है।
एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रायगढ़ से जहां पर आरक्षक ने खुद को गोली मार ली है। आरक्षक की हालत गंभीर और बिलासपुर रेफर कर दिया गया। रायगढ़ एसपी ऑफिस में पदस्थ हैं आरक्षक। रायगढ़ कोतवाली पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। तो आपको रायगढ़ से एक और बड़ी खबर बता दें, आरक्षक ने खुद को गोली मार ली है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां पर रायगढ़ से उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। रायगढ़ एसपी ऑफिस में पदस्थ हैं आरक्षक और रायगढ़ कोतवाली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्यों आरक्षक ने खुद को गोली मारी, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने खुद की जान लेने की कोशिश की और खुद पर ये गोली चला दी। हालांकि उसकी हालत गंभीर है और अभी बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता दें, जहां पर एक आरक्षक ने खुद को गोली मार ली है और उसकी हालत इतनी गंभीर कि बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ कोतवाली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है कि आखिर किस वजह से आरक्षक ने खुद को गोली मारी। रायगढ़ एसपी ऑफिस में पदस्थ है आरक्षक। जिस आरक्षक ने खुद को गोली मारी है वो रायगढ़ के एसपी ऑफिस में पदस्थ है और हालत इतनी ज्यादा नाजुक और गंभीर है कि बिलासपुर रेफर कर दिया गया है और खुद को ही गोली मार दी है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर आरक्षक ने खुद को गोली क्यों मारी। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां जंगल से भटक कर आई एक मादा हिरण गांव के कुएं में गिर गई, जिसके बाद वन विभाग ने माता हिरण को रेस्क्यू किया है। जंगलों में आग लगने की वजह से जंगली जानवर लगातार बाहर निकल रहे हैं। तो बलरामपुर में जंगल से भटककर एक मादा हिरण गांव के कुएं में गिर गई। हालांकि वन विभाग ने हिरण का रेस्क्यू कर लिया है और गर्मी की वजह से जंगलों में जो आग है वो लगातार लग रही है, जिस वजह से जो जंगली जानवर हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से लगातार बाहर निकल रहे हैं और ऐसे में एक मादा हिरण कुएं में आकर गिर गई। अगली खबर सरगुजा से, जहां के अजीरमा गांव के मंदिर से चोरों ने दान पेटी और आलमारी का ताला तोड़कर करीब 4.5 लाख की नकदी चुरा ली। चोरों ने सबसे पहले श्री राधा कृष्ण मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा, इसके बाद अंदर जाकर अलमारी और दान पेटी के ताले को तोड़ा और पूरे सामान को बिखेर दिया। इसके बाद चोर आलमारी और दान पेटी में रखी नकदी रकम जो करीब 4.5 लाख रुपए थी उसे चुरा कर ले गए और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सरगुजा से ये खबर बता दें, जहां पर एक मंदिर में चोरी का मामला सामने आया और 4.5 लाख रुपए मंदिर से चोरी कर लिए गए। सुबह पहुंचे, ताला टूटा हुआ पाया यहाँ पे, पुजारी जी आए उसमें, उसके बाद अंदर अपना देखे तो अलमारी से पूरा कैश लगभग 5 लाख के आसपास था। तो 5.5 लाख रुपए कैश कैसे रखे थे यहाँ पे इतना? यहाँ ये जो अभी सामने जो बना है ये पिलर उलर जो खड़ा था इसको ढालना था, इसके लिए हम लोग कैश सब जुगाड़ के गांव से भी चंदा उंदा करके इकट्ठा करके इस काम को करना था, इसलिए कैश रखे थे। जब हम लोग आए तो हम लोग को जहाँ देखा क्या, जहाँ हम लोग पैसा रखे हुए थे वो ताला टूटा है, 4 ताला टूटे, मेन गेट, गर्भस्थान का गेट, अलमारी का ताला और लॉकर का ताला टूटा हुआ था। चूँकि मंदिर निर्माणाधीन था और कार्य करना था, ढलाई करना था और आज ही ढलाई का प्रोग्राम था और इस दौरान जब चोरी हो गई तो हम लोग तो थाने में गए, थाने में जाके सूचना दिए। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी नेता अपना अपना दाव ठोक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट में नए मंत्रियों की जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंत्री पद की रेस में कौन कौन है ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले से ही राज्य में एक मंत्री पद खाली है, अगर बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने तो एक और पद खाली हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई मंत्रियों के बदलाव की चर्चा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव का परिणाम छत्तीसगढ़ में अगली कैबिनेट का मंत्री पद तय करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इन नेताओं को मिल सकता है मंत्री पद। सामान्य वर्ग से अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर। एससी एसटी वर्ग से रेणुका सिंह और लता हुसैन जी का नाम आगे।
वहीं छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि बीजेपी में पद नहीं दायित्व होता है, कोई पोस्ट की भागदौड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन 24 घंटे संगठन के लिए, देश की राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए, राजनीति को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सतत परिश्रम करती रहती है। 11 सीटों में भी चुनाव हुए हैं, अन्य पड़ोसी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी यथासंभव हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता सहभागिता निभा रहे हैं। आने वाले समय में चीज़ों की समीक्षा भी होती रहेगी और लगातार सुधारों के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। तो देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसे में अब कांग्रेस विभाग के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर मोदी सरकार और विष्णुदेव सरकार को आड़े हाथों लिया है। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए पीएम मोदी चुनाव में पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बघेल सरकार की तमाम विकास की योजनाओं को रोक दिया है। ये पास अब कोई मुद्दे बचे नहीं है। तीन चरण के बाद में यह स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की विदाई जनता ने सुनिश्चित कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी मीट मछन मछली मंगलसूत्र से लेकर राष्ट्रवाद तक पहुंच गई है। अरे पाकिस्तान का भय हिंदुस्तान को मत दिखाओ, इस देश को पाकिस्तान का भय दिखा के वोट लेने की जो आपकी फितरत है अब नहीं चलने वाली। अब आप महंगाई पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, इस पे बात करने का भारतीय जनता पार्टी के पास साहस नहीं है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार आए 5 महीने हो गया है। इन 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सायर सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया मोदी सरकार के माध्यम से जिससे जनता को फायदा हुआ हो। डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया। डबल इंजन की सरकार है, महतारी बंधन की तीसरी किस्त अभी भी 80% महिलाओं के खाते में नहीं आई है। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी लोगों के राशन में कटौती हो रही है। ये डबल इंजन की सरकार करके सिर्फ और सिर्फ जनता में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को खत्म करने के लिए प्रशासन लगातार एक्टिव है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जारी रहेगी, नक्सलियों के खिलाफ हम मजबूती से लड़ेंगे। नक्सली मारे हैं आज भी, मेरी जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में एक नक्सली आज भी मारा गया है और 29 तक नक्सली एक दिन में मारे हैं। तो मजबूती के साथ लड़ेंगे, या तो वो आत्मसमर्पण कर दें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएं। और बात अगली खबर की करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। 16 मई से कर्मियों को दिया जाएगा मतगणना का प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राज्य मास्टर ट्रेनर को बुलाया है। सहायक रिटर्निंग अफसरों, काउंटिंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को ट्रेनिंग अलग अलग जिलों में इन अफसरों की ट्रेनिंग होगी और 1302 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में काम करेंगे अफसर। तो ये बड़ी खबर बता दें क्योंकि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के बाद चुनाव खत्म हो गया, संपन्न हो गया। इसके बाद अब चुनाव आयोग वहां पर तैयारियों में जुटा है कि किस तरह मतगणना कराई जाए। उसके लिए जितने भी जिन्हें भी जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी उन्हें पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और 16 मई से कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूरतपुर जिले के प्रतापपुर में 3 हाथियों ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया है। महिला अकेले ही घर में रहती थी। इस घटना के बाद हाथियों की निगरानी में लगे हाथी मित्र दल के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने वन विभाग की मदद से इन हाथियों को खदेड़ा, जिसके बाद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो हाथियों का आतंक लगातार जारी और ऐसे में एक और महिला की मौत हाथी के हमले की वजह से हो गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।